गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? लैक्टोज तक। लैक्टोज तक? हाँ, यस सर। लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था? हाँ सर, बनाया था दो स्ट्रक्चर, बीटा लैक्टोज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लैक्टोज का क्या क्या पॉइंट लिखा था आप लोगों ने? पहला पॉइंट बता दो। It is composed of beta galactose. चलो ठीक है, next, next, next point. Human mother's milk contains 7% lactose. Okay, दो point लिखा था ना? Yes sir. और इसका structure बनाया था? Structure तो बनाया था ना इसका lactose का? Yes sir, beta galactose का। हाँ, beta galactose और plus इसमें लिखा होगा beta glucose, हाँ? चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो है, ये लैक्टोज के बारे में था। अब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे सुक्रोज का। और बच्चों, सुक्रोज को हम लोग केन शुगर कहते हैं, और या तो हम लोग इसको किचन शुगर भी कहते हैं। और या तो इसको हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। जो हम लोग घरों में शुगर वगैरह खाते हैं, और वो यही होता है, सुक्रोज ही होता है। तो पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा फ्रुक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज दैट आर कनेक्टेड बाय beta 1-2 glycosidic bonds. और इसमें एक तो बीटा फ्रुक्टोज होगा और दूसरा इसमें अल्फा ग्लूकोज होगा, और दोनों कनेक्टेड रहता है बीटा 1-2 glycosidic bonds से। अब देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर अगर सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका ग्लूकोज दिखाऊं, और ये ग्लूकोज है। आप लोग अभी जस्ट वेट करना, पहले मुझे बनाने देना। तो ये ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज क्या अल्फा है या बीटा है? बच्चों, ग्लूकोज इसमें अल्फा है या बीटा है? बीटा है सर। बीटा ना, ग्लूकोज 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 अल्फा है ना भाई, ऊपर लिखा है। और फ्रुक्टोज क्या है? सॉरी सर, ग्लूकोज। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग अल्फा, हाँ, इसका हम लोग यहाँ पे अब फ्रुक्टोज देखेंगे। तो फ्रुक्टोज जो है वो कुछ ऐसा रहता है। इसका स्ट्रक्चर समझाया था मैंने आप लोगों को, रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ में अल्फा ग्लूकोज है, तो अगर अल्फा ग्लूकोज है तो OH जो है वो ऊपर होगा। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना नहीं है, अब मैं आपको पहले समझा दूंगा यहाँ में क्या मैकेनिज्म है। देखो आप लोगों को जब मैंने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताया था, तो बताया था बीटा फ्रुक्टोज यहाँ में OH ऊपर होगा, और अगर अल्फा ग्लूकोज होगा OH ऊपर नीचे होगा। और फिर बताया था जब नीचे होगा, और यहाँ में बताया था OH ऊपर होगा, और यहाँ में बताया था CH2OH। अब देख लो बच्चों, ये वन है इसका कार्बन एटम, और ये फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम है, तो अटैक ऐसे होगा। लेकिन बॉन्ड तो कभी भी ऐसे नहीं बनेगा केमिस्ट्री में, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन के बाद ये जो है, ये वाला 5 था और ये वाला 2 था, तो ये रिंग रोटेट होगा, और ये 2 इस साइड आएगा और ये 5 इस साइड जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को थोड़ा इस साइड कर दूंगा और इस 5 को इस साइड करूंगा। तो जब मैं 2 और 5 को इस साइड करूंगा, तो मैं ये ग्रुप्स को भी चेंज कर लूंगा। अब देखो फाइनली कैसे होगा, फाइनली द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। मैं यहाँ मैं बता दूंगा कि ये ग्लूकोज का, ये फ्रुक्टोज का 2 कार्बन एटम है, और ये फ्रुक्टोज का 5 कार्बन एटम है। अगर मैं फ्रुक्टोज का
OH नीचे रखो तो बच्चों बॉन्ड ऐसे बनेगा इसका, और दैट मींस मैंने OH नीचे रखा है तो मुझे ये CH2OH भी नीचे रखना पड़ेगा वन, और यहाँ में H रखना पड़ेगा, क्योंकि जब OH और CH2OH नीचे होता है तो उसको भी बीटा ही कहते हैं, तो और ये H यहाँ पे ऊपर रहेगा और ये H यहाँ में ऊपर रहेगा, और ये ग्लूकोज का कार्बन एटम 4 है, और 4 पे आप लोगों ने सीखा है OH नीचे होता है एंड दिस इज 4, तो बच्चों ये 2 है और ये 1 है। अब देखो बॉन्ड किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो क्या कहेंगे इस बॉन्ड को, बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो जो ये वाला शुगर है और ये वाला यहाँ में अल्फा ग्लूकोज है, और बच्चों जो ये वाला शुगर है ये इसमें बीटा फ्रुक्टोज है, और ये स्ट्रक्चर जो होगा दिस विल बी सुक्रोज। अब देखो आप लोग, मैंने आपको आगे सिखाना है कि रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं। बच्चों एल्डो शुगर के वन कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने मतलब इतना स्टडी करना है, तो ग्लूकोज के वन कार्बन एटम पे क्या होता है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और बच्चों कीटो शुगर के सेकेंड कार्बन एटम पे क्या होता है, कीटो ग्रुप, तो फ्रुक्टोज है कीटो शुगर और ग्लूकोज है एल्डोज शुगर, तो एल्डोज के वन पे होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोज के वन पे टू पे होता है कीटोज ग्रुप। अब देखो यहाँ में लिंकेज क्या है, वन और टू, तो दैट मींस ना इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है और ना इसमें कीटोनिक ग्रुप फ्री है, तो दोनों इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, जहां में भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा और उस शुगर को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज दैट शुगर कॉल्ड एज, बच्चों एल्डो शुगर के कार्बन एटम वन पे क्या होता है, जरा आप लोग मुझसे रिपीट कर लो, एल्डो शुगर के कार्बन एटम वन पे क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और कीटो शुगर के कार्बन एटम सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप होगा। ये मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, आपको मैंने लीनियर स्ट्रक्चर बताया, आप लोगों को मैंने रिंग स्ट्रक्चर बताया, हर जगह में देखा आप लोगों ने, जो भी एल्डो शुगर का वन पे था CHO और जो भी कीटो शुगर था टू पे कीटो ग्रुप था। अब देखो इसमें ना एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है ना कीटो ग्रुप फ्री है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व राइट नाउ इन दिस बॉडी, सो जहां में ना एल्डिहाइड ग्रुप होता है फ्री ना कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और आगे मैं आप लोगों को पॉइंट दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेना, सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम सैकेरम ऑफिसिनेरम, सकरम ऑफिसिनेरम, और इसको हम लोग शुगर केन कहते हैं जिसे गन्ना कहते हैं हिंदी में, और इसी में ये सुक्रोज होता है और उस सुक्रोज को निकाला जाता है उधर से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यू कैन राइट सुक्रोज इज सेकंड स्वीटेस्ट शुगर, जरा फर्स्ट स्वीटेस्ट शुगर कौन सा था, व्हिच इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा था, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज था सबसे स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज है, और सुक्रोज जो है वो सेकंड स्वीटेस्ट शुगर है, और ये कहानी आप लोगों को सुक्रोज के बारे में याद रखना है, मीठा फ्रक्टोज होता है अल्फा ग्लूकोज होता है और बॉन्डिंग होता है 1-2, और शुगर केन से मिलता है जिसका साइंटिफिक नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम, और सुक्रोज जो है वो सेकंड स्वीटेस्ट शुगर है। आर यू डन विद दिस, यस सर, यस सर। तो अब आप लोगों को लास्ट वाला जो शुगर लिखना है डाइसैकेराइड लिख लेना है, और वो आप लोगों को ट्रिहैलोज लिखना है।
सो इसमें लिख लेना इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा ग्लूकोज दैट आर कनेक्टेड बाय अल्फा 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बच्चों देखो बड़ा इजी है स्ट्रक्चर बनाना, ये अगर एक ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का मैं मान लूंगा कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है और ये दूसरा ग्लूकोज है, और अब इस दूसरा ग्लूकोज का क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने इसको थोड़ा सा टिल करना है, मैंने वन को अब इस साइड ले आना है, क्योंकि नॉर्मली हम वन राइट साइड बनाते हैं तो, लेकिन यहाँ मुझे वन लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा क्योंकि वन वन बर्निंग है, तो अब ऐसे इयररिंग बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स ये भी वन हो गया और ये भी वन हो गया। अब इन दोनों के बीच में अब बर्निंग होगा, कौन सा बर्निंग होगा, 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ में एच हो और यहाँ में एच हो। और बच्चों अब यहाँ में आप लोगों को पता है कि ये फोर्थ कार्बन होता है ग्लूकोज का, यहाँ में एच और ओएच नीचे होता है, और अगर मैंने अल्फा बनाया है ये ओएच नीचे है तो यहाँ मुझे सिक्स्थ कार्बन जो है वो ऊपर लिखना है, और अब डायगोनली ओपोजिट होगा ओएच और सी एच टू एच, और जब ओएच और सी एच टू एच डायगोनली ओपोजिट होता है वो अल्फा होता है, तो दैट मीन्स ये ग्लूकोज जो है दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड गाइस दिस ग्लूकोज इज अल्फा ग्लूकोज, और जो ये बॉन्डिंग होगा दिस इज अल्फा 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जरा आप लोग बता दो मुझे, जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था रिड्यूसिंग ऑफ शुगर का और नॉन रिड्यूसिंग, अब बताओ ये ट्रिहैलोज रिड्यूसिंग होगा या ये ट्रिहैलोज नॉन रिड्यूसिंग होगा। जो ट्रिहैलोज रिड्यूसिंग शुगर होगा या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा? नॉन रिड्यूसिंग। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होगा? गुड, टू अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होगा, वेरी गुड। यहाँ में देखो ये ग्लूकोज का वन कार्बन एटम पे सी एच ओ होता है, और ये ग्लूकोज का भी वन कार्बन एटम पे सी एच ओ होता है। अब देखो वन और वन आपस में लिंक है, ये सी एच ओ भी बिजी है, ये सी एच ओ भी बिजी है, तो इसीलिए ये होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप लोग जरा अपनी कॉपी पे माल्टोज का स्ट्रक्चर देख लो, जरा माल्टोज का बता दो क्या वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। माल्टोज माल्टोज का देख लो, बड़ा इजी है बताना। नॉन रिड्यूस, ना रिड्यूसिंग होगा। आर्थ्रोपोडा और या लिख लेना और इंसेक्ट, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, और लेकिन जहां कॉकरोच एनसीईआरटी ने लिखा है उधर ही मेंशन किया। अब जो इंसेक्ट का ब्लड होता है, आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड होता है उसको हेमोलिफ कहता है, तो बच्चों उसी हेमोलिफ में ये शुगर होता है, ये डाइसैकेराइड होता है, और जिसका नाम है ट्रिहैलोज। सो ये कहानी आप लोग अगर स्ट्रक्चर ना भी याद रहे कोई इशू नहीं, यू कैन स्किप दिस। और बच्चों लेकिन ये पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। आर यू डन विद दिस? यस सर। हाँ, सो ये था डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब डाइसैकेराइड वो ऑलिगोसैकेराइड है जिनमें दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्ट होगा, एक था माल्टोज, एक था लैक्टोज, एक था सुक्रोज, एक था ट्रिहैलोज। सो नेक्स्ट जो है यू विल पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट टाइप्स ऑफ शुगर्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ शुगर्स के लिए आप दो कॉलम बना लेना, एक में आप लोग लिख लेना रिड्यूसिंग शुगर
दूसरे में लिखेगा आप नॉन रोटेशन जो देखो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था और वो आप लोगों को यहाँ काम आएगा। तो इसमें आप लोग लिखे ना दे हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। और बच्चों यहाँ पे लिखे ना दे हैव नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। और इधर में लिख लेना दे कैन रिड्यूस फेरिक। और बच्चों फेरिक होता है Fe+3 टू फेरस। और बच्चों फेरस होता है Fe+2 और क्यूप्रिक क्यूप्रिक का होता है Cu+2 और टू क्यूप्रस। अभी मैं आपको एक रिएक्शन सिखाऊंगा और उधर से आपको ये समझ आएगा। और यहां मैं लिख लेना दे कैन नॉट रिड्यूस दे कैन नॉट रिड्यूस। और इधर में लिख लेना दे कैन फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है Cu2O। और यहां पर लिखना दे कैन नॉट फॉर्म। और एग्जाम्पल यहां में लिख लेना सारे मोनोसैकेराइड्स। और बच्चों डाइसैकेराइड में आप लोग एक माल्टोस लिख देना और एक आप लोग लिख देना यहाँ में लैक्टोस। और इसमें सो एग्जाम्पल जो आएगा सुक्रोज जो अभी दिखाया था मैंने और एक आप लोगों को याद रखना है यहाँ में ट्रेहोस। और जो जनरली आप लोगों से पूछा जाता है वो ये वाला है सुक्रोज। कौन सा शुगर अब नॉन रिड्यूसिंग है कौन सा शुगर अब नॉन रिड्यूसिंग है सुक्रोज सर। सुक्रोज है। अब देखो अभी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा मैं वापस उस स्लाइड पे ले जाता हूँ। ये देखो यहाँ में ट्रिहलोस में ग्लूकोज है। ग्लूकोज के 1PCHO होता है 1PCHO होता है। देखो बच्चो इस ग्लूकोज का CHO कोई फ्री नहीं है दोनों बाइंड है तो इसीलिए ट्रिहलोस नॉन रिड्यूसिंग है। ये देखो सुक्रोज ग्लूकोज पे 1 पे CHO फ्रुक्टोज पे 2 पे होता है कीटो ग्रुप। तो ना यहाँ में कीटो ग्रुप फ्री है और ना में यहाँ में एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है। अब बच्चों अगर इसमें ना एल्डिहाइडिक ग्रुप ना कीटो ग्रुप फ्री है क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब मैं आपको जो आप लोगों ने वहां में ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर आप अपनी कॉपी पे कंपेयर कर लेना। देखो मैंने आप लोगों को माल्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया होगा आप अपना कॉपी देख लो माल्टोज का स्ट्रक्चर देख लो। जरा माल्टोज में बता दो कौन कौन सा बॉन्डिंग था बच्चों। माल्टोज में कौन कौन सा बॉन्डिंग है 1 और 4 ये वाला क्या है 1 ये वाला क्या है 4। जरा इस माल्टोज में बता दो ये कौन सा ग्लूकोज था अल्फा ग्लूकोज ये भी क्या है अल्फा ग्लूकोज।
अब बता दो बच्चों ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के वन पे कौन सा ग्रुप होता है? सी एच ओ। और ग्लूकोज का ये वन है, इसके कौन सा ग्रुप होगा? सी एच ओ। अब बता दो इस ग्लूकोज में दोनों सी एच ओ ग्रुप बिजी है या एक ही सी एच ओ ग्रुप बिजी है मेल्टोस में? अब मेल्टोस में बता दो आप क्या ग्लूकोज, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि मैं सब कुछ बताया हूं तो, बट आप मे बी आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, मैं अभी अभी वो रिटर्न कर दूंगा। आप लोग बता दो बच्चों ये ग्लूकोज था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, जरा ग्लूकोज के वन कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट होता है? सी एच ओ। फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट होता था? कीटो ग्रुप, है ना। तो अब बता दो मुझे ये ग्लूकोज अगर यहाँ में है तो इस ग्लूकोज का वन पे क्या होता है? सी एच ओ। और इस ग्लूकोज का वन पे क्या होगा? सी एच ओ। तो देखो इस ग्लूकोज का इस मेल्टोस में खाली एक ही सी एच ओ ग्रुप बिजी है लेकिन एक फ्री है। अब बता दो क्या ये मेल्टोस अब रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग होगा सर। रिड्यूसिंग होगा क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। अब देख लो आप लैक्टोज, लैक्टोज में बॉन्डिंग क्या बताया था? 1,4। और एक क्या था उधर में? बीटा गैलेक्टोज। और एक क्या था उसमें? अल्फा बीटा ग्लूकोज। अब देखो बच्चों गैलेक्टोज में भी सी एच ओ होता है, ग्लूकोज में भी सी एच ओ होता है, तो लैक्टोज में भी एक सी एच ओ बंद लेकिन एक सी एच ओ फ्री, तो इसीलिए लैक्टोज भी जो है एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। लैक्टोज जितने भी मोनोसैकेराइड है सब में फ्री होता है, और जितने भी डाइसैकेराइड है उनमें से माल्टोज और लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग होता है, और सुक्रोज और ट्रिहलोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। चलो अब किसी बच्चे का कुछ रह गया था वो अपना कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि आप लोगों का हुआ होगा, ये समझ आया होगा। अब कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है बच्चों, कौन से शुगर्स रिड्यूसिंग है? अब सारे मोनोसैकेराइड्स, मेल्टोस और लैक्टोज, लेकिन सुक्रोज और ट्रेहलोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा क्योंकि उनमें फ्री एल्डिहाइडिक फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। उमर हो गया आपका? चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाला जाएंगे कि कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट द शुगर्स। तो जरा लिखो इसमें बेनेडिक्ट्स, बेनेडिक्ट्स टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। इज यूज टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो बच्चों एक केमिकल होता है अल्कलाइन CuSO4, मतलब अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, और वो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट जो है उसको हम लोग CuSO4 कहते हैं, इज कॉल्ड एज बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। अब देख लो आप, मैं आपको बेनेडिक्ट टेस्ट का रिएक्शन दिखाऊंगा। मैं यहाँ ग्लूकोज लूंगा और मैं यहाँ पे CuSO4 डाल दूंगा इसमें 5 ml। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है ये बेनेडिक्ट रिएक्शन है, तो ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोयूरानिक एसिड में, और प्लस ये जो CuSO4 है ये रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड। अब इससे क्या पता चल रहा है आप लोगों को कि ये वाला जो ग्लूकोज है ये यहाँ में रिड्यूस फॉर्म में था, और बच्चों ये कॉपर सल्फेट आपको किसके पता किसमें है? कॉपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और जो ये ग्लूकोयूरानिक एसिड जो है ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड।
और बच्चों ये वाला जो है ये यहाँ में रिड्यूस फॉर्म में, तो ये रिएक्शन जो है इसको हम बेनेडिक्ट्स टेस्ट के रिएक्शन कहेंगे, दैट मींस बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है। जरा आप लोग बता दो मुझे, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है या ग्लूकोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर है ना। तो बच्चों रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए दो टेस्ट दिया है, एक टेस्ट है बेनेडिक्ट्स और एक है फेलिंग्स। तो अब हमें पता है कि ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग है। अब देख लो इस कॉपर इस क्यूप्रस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा प्लस टू, और बच्चों इस क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना रहता है? सीयू प्लस वन। अब बताओ यहाँ में क्या क्यूप्रिक टू क्यूप्रस हुआ कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है? ये वाला देख लो, ये वाला पॉइंट दे कैन रिड्यूस फेरिक टू फेरस और क्यूप्रिक टू क्यूप। तो बच्चों अब हमने देखा कि ग्लूकोज पे जब हमने कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट में कॉपर था सीयू प्लस टू और ये कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस, और इसी का यहाँ रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, और जो ही रेड प्रेसिपिटेट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर है। अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं। बच्चों क्या सुक्रोज रेड प्रेसिपिटेट देगा? क्या सुक्रोज रेड प्रेसिपिटेट देगा? नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आप लोग बिल्कुल साइलेंट है, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो या तो आप लोगों ने प्रीवियस वाला रिवाइज ही नहीं किया है और इसीलिए आप लोग जाके कोई आंसर ही नहीं दे रहे। तो आप लोगों को वहां से बोलना बड़ा जरूरी है, एंड दिस इज द ओनली कन्वर्सेशन विच विल हैपन बिटवीन यू एंड मी, तो जो हमें लिंक करके रख लेगा। अगर आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहेंगे तो मैं कहूंगा खाली मैं बोल दे जा रहा हूँ, इनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो प्रीवियस जो भी अभी सफर कर रहा है तो उसका मतलब प्रीवियस उसको याद रखना था जो मैंने पढ़ाया था, और जिसको अभी समझ आ रहा है तो मतलब उसने रिवाइज किया हुआ है ढंग से। तो दिस वॉज रिगार्डिंग द बेनेडिक्ट्स टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट, और ये था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में, जहां में फेरिक या फेरस में कन्वर्ट होता है या क्यूप्रिक क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है, और क्योंकि वहां में हमें पता चलता है कि रेड प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, और जो आप लोगों ने इधर देखा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट वी कॉल एज ओलिगोसैकेराइड्स, और अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। और पॉलीसैकेराइड्स में लिख लेना आप, दे आर the carbohydrates that are made up of many monosaccharides. Are they of same type? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना थे और ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड ये दो तरह का होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड और एक हेटरोपॉलीसैकेराइड। Are you done with this?
यस सर। हाँ तो अब देखो बच्चों, हमें अब इसका जो पहला टाइप है वो होमोपॉलीसेकेराइड देखना पड़ेगा। व्हाट आर दोस? और होमोपॉलीसेकेराइड में देखते ना, दे आर द पॉलीसेकेराइड्स made up of same monosaccharides. So, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? वो है ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह। सो दे आर द पॉलीसेकेराइड्स दैट आर मेड अप ऑफ सेम मोनोसेकेराइड्स दैट रिमेन्स कनेक्टेड बाय व्हिच आर कनेक्टेड बाय are connected by glycosidic bonds. Or example jo hai, you will write the first example, that is starch. Or dusra hoga glycogen. Or tisra hoga cellulose. Or jo chautha likhna hai aap logon ko chitin. Or panchwa aapko likhna hai in it. So these are the homopolysaccharides. सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। तो अब हम लोग इसमें से पहला वाला स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज स्टार्च। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। सर आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, चलो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बट जरा पहले एक बारी वहां सीपीएस ये बदरपुर में कोई जरा कैमरा ऑन करे, कोई बच्चा उठ के कैमरा ऑन करे और फिर उसको बंद करे, मैं देखना चाहता हूँ वहां पे क्या है। सीपीएसबी बदरपुर, चलो आप लोग ऑफ रख सकते हैं आप कैमरा। चलो बच्चों, अब हमने नेक्स्ट जो है देखना है स्टार्च के बारे में, और स्टार्च के बारे में देख लेना, इससे ये एक ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो देखो, इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इज अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज दैट आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। So it has two forms, that is amylose and amylopectin. इसके दो forms होते हैं starch के, और एक को हम लोग amylose कहते हैं और दूसरे को हम लोग amylopectin कहते हैं। जो अब जो एमाइलोस होगा, और वो एमाइलोस का हमें स्ट्रक्चर देखना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट सीखने हैं, और हम लोगों को एमाइलोपेक्टिन देखना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें सीखने। तो अब आप लोग क्या कर लेना, दो कॉलम बना लेना और एक में आप लोग एमाइलोस लिख लेना और एक में आप लोग एमाइलोपेक्टिन लिख लेना। एवरीथिंग इज इन एनसीईआरटी।
तो एमाइलोस में लिख लेना, इट इज स्ट्रेट और अनब्रांच फॉर्म। अनब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च। और बच्चों इसमें लिख लेना, इट इज ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च। आप लोगों का जो संडे का टेस्ट होगा उसमें जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वो सारा होगा, तो इसीलिए आप लोग रिवाइज करते रहना। और इसमें लिख लेना, इट हैज टू हंड्रेड टू थाउजेंड ग्लूकोज। और बच्चों इसमें लिख लेना, इट हैज 2000 टू 2 लाख ग्लूकोज। सो इट इज स्ट्रेट, ये अनब्रांच फॉर्म होता है और ये वाला ब्रांच फॉर्म होता है। तो बच्चों इसमें 200 से 1000 ग्लूकोज होता है और इसमें से 2000 से 2 लाख ग्लूकोज होता है। Are you done with this? Yes, sir. और एक नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू कर लेना। सो इट हैज ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और बच्चों इसमें लिख लेना, इट हैज बोथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और अभी मैं आपको सिखाऊंगा अल्फा 1,4, तो मैंने काफी जगह सिखाया आप लोगों को, तो अब हमें देखना है कि अल्फा 1,6 कैसे होगा और कहां पे होगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर स्टार्च का अनब्रांच होता है? एमाइलोज। एमाइलोज होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच होता है। यहाँ से थोड़ा सा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना देना और फिर मैं उसके बाद रियल स्ट्रक्चर बता दूंगा। ये अगर सपोज मैं मान लूंगा कि ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है, और ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो है दे आर प्रेजेंट बिटवीन द ग्लूकोज। और बच्चों ये मैं मान लूंगा यहाँ पे ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज का जो बीच में बॉन्ड है, और बच्चों ये बॉन्ड जो होगा दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। ये सारे बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो एक ग्लूकोज का 1 रहेगा इधर और लास्ट वाले ग्लूकोज का 4 रहेगा इधर। आप लोग अभी ये डायग्राम में सीखेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। तो यहां मैं साइमल्टेनियसली इसका ब्रांच वाला फॉर्म बता दूंगा। तो अगर सपोज ये एक ग्लूकोज का चैन है और इस ग्लूकोज के चैन में यहां में ब्रांच निकल रहा है, सपोज ब्रांच है, तो बच्चों यहां से मैं अगर सपोज ये कहूंगा कि ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच है इधर। अब देखो ये ब्रांच वाले में अगर ये ग्लूकोज है इधर, ग्लूकोज है इधर, और यहां से ब्रांच निकल आया और फिर यहाँ और ग्लूकोज होगा, ये स्ट्रेट भी जा सकता है और लेकिन यहाँ दोबारा ब्रांच आएगा, और ये स्ट्रेट भी जा सकता है लेकिन यहाँ दोबारा ब्रांच आ सकता है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ ग्लूकोज आगे आगे बढ़ता जाएगा और लेकिन यहाँ में ब्रांच आया, और यहाँ में देखो सीधे भी जा सकता है और यहाँ में ब्रांच भी आ सकता है।
और ये वाला सीधे भी जा सकता है और यहाँ में ब्रांच भी आ सकता है। अब बच्चों जहां में भी ब्रांच आएगा तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो ये वाला बॉन्ड है दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जहां में भी ब्रांच आएगा, और ये ग्लूकोज का 1 होगा और ये लास्ट वाले ग्लूकोज का 4 होगा, ये भी लास्ट वाले ग्लूकोज का 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये 4 होगा और ये 4 होगा और ये वाला 4 होगा। और अब स्ट्रेट जरा एमाइलोज में अब कौन से बॉन्ड्स होंगे खाली? अच्छा का बॉन्ड एमाइलोज में अब कौन से बॉन्ड्स होंगे खाली? ना कौन से बॉन्ड्स होंगे, कौन से ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड्स होंगे एमाइलोज में? अरे 1,4 बताया ना भाई, एमाइलोज में कौन से बॉन्ड्स होते हैं खाली? 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड्स। और एमाइलोपेक्टिन में कौन कौन सा होता है? 1,4 भी होता है और 1,6 भी होता है। तो दैट मीन्स जैसे ये 1,4 है और ये वाला 1,6 है। अब आपको मैं हाइपोथेटिकल दिखाया और अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूंगा एमाइलोज कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है। और ये था डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो अब आप लोग अपना ये जो दो कॉलम बना रहे थे आप इसको आप क्लोज कर सकते हैं, और अब मैं आपको बता दूंगा रियली वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है इनका। और दिस वाज द डिफरेंस यार। अब देख लो बच्चों, ये यहाँ ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज जो है यहाँ में ये अल्फा है, तो अगर अल्फा होगा तो H ऊपर होगा, OH नीचे होगा, और वो OH दूसरे ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। और बच्चों ये दूसरा ग्लूकोज है इधर, और ये दूसरा ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम होगा, और यहाँ में भी H जो है ऊपर होगा और OH नीचे होगा, और वो O जो है वो दूसरे ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो मैंने आपको सिखाया सुक्रोज में भी, माल्टोस में भी सिखाया था, लैक्टोस में भी सिखाया था, काफी जरा जगह सिखाया था। तो अब देखो ये ग्लूकोज का ये 1 होगा, और अब मैं इसको 1OH लिखूंगा और ये OH नीचे लिखूंगा। और बच्चो ये वाला जो है ये यहाँ पे 1 कार्बन एटम होगा और ये यहाँ में 4 होगा, और ये यहाँ में 1 होगा ग्लूकोज का, ये इसका 4 होगा, और ये इस ग्लूकोज का 1 होगा और ये इस ग्लूकोज का 4 होगा। अब अगर हमें पता है कि हमें पॉलीसेकेराइड बनाना है, तो पॉलीसेकेराइड अगर हम बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि अभी और भी काफी सारे ग्लूकोज लिंक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ में ब्रैकेट डालेंगे और उस ब्रैकेट के बाहर में एन लिखेंगे, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग एमाइलोज कहेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। अच्छा ये भी कौन सा बॉन्ड है, ये भी कौन सा बॉन्ड है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो स्ट्रेट जो बनेगा और स्ट्रेट लंबा होता जाएगा उसको एमाइलोज कहेंगे। अब देखो इधर में ये मैंने 1 लिखा था इधर, अब देखो इधर में क्या रहा 1, अब लास्ट वाला ग्लूकोज का क्या रहेगा 4, और ये देखो ये क्या रहा 4। तो अब इस ग्लूकोज के ये वाले एंड को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, ये वाला एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। और बच्चों इस समय आपको पता है कि O1 पे CHO होता है, तो ये 1 वाला जो एंड होगा दिस विल बी रिड्यूसिंग एंड। और अब एमाइलोज यानी कि पॉलीसेकेराइड का राइट साइड में होता है रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट साइड में होता है नॉन रिड्यूसिंग है। इज दिस क्लियर? ये है एमाइलोज का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन। अब अगर सपोज ये पहला ग्लूकोज है और बच्चों ये दूसरा ग्लूकोज होगा और ये तीसरा ग्लूकोज होगा, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चौथा होगा,
फिर पांचवा होगा, फिर सिक्स्थ होगा, फिर सेवन्थ होगा, फिर एट्थ होगा। तो कितने ग्लूकोज बताए थे मैंने अमाइलोज में होता है? 200 से 200 टू 1000। और इसमें कितना बताया था एमाइलोपेक्टिन में? 2000 में 2 लाख। तो अब देखो बच्चों, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर ये देखो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इसीलिए मैंने ब्रैकेट किया यहाँ पे, लिखा एन, एंड दीज आर द ओनली 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ब्रदर इन दिस एमाइलोज। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन पॉलिस या पॉलीसैकेराइड्स हैव polysaccharides have non-reducing end, non-reducing end on left side and reducing end on right side। और ये पॉइंट आप लोग एनसीईआरटी से याद रख लेना, पॉलीसेकेराइड्स में राइट साइड होता है रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट साइड जो है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। और क्योंकि ये 1 जो है यहाँ में सीएचओ है तो मतलब रिड्यूसिंग, और ये 4 यहाँ में सीएचओ नहीं है, OH है, तो इसीलिए ये वाला होगा नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग और ये रिड्यूसिंग। अब मैं आप लोगों को एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बता दूंगा। देखो बच्चों, एमाइलोपेक्टिन के लिए मैं दोबारा से ग्लूकोज ही लूंगा, और ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा, नाउ आई विल टेक दिस ग्लूकोज लाइक दिस, और मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगा 1-4, और अब मैं यहां से एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊंगा इधर, अब देख लो बच्चों, यहां में मैं एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊंगा, और वो यहां से इसके साथ लिंक हो जाएगा। और यहाँ में H होगा, यहाँ में H होगा, यहाँ में H होगा, और यहाँ में H होगा, और यहाँ में जाके H होगा, और यहाँ में OH नीचे होगा। तो ये वाला कार्बन एटम पता है आप लोगों को, 1 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, और ये 1 होगा। तो बच्चों, इसको मैं कंटिन्यूटी दिखाने के लिए कहूंगा कि और बॉन्ड्स होंगे, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में डालते हैं इधर। और अब ये ग्लूकोज का यू पीपल नो कि इधर में एच होता है और इधर में ओएच होगा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है। और बच्चों, ये भी आप लोगों को पता है कि यहाँ में एच होता है और यहाँ में सी एच टू ओएच होता है। अब देखो, ये ओएच 1 का, ये वाला 1 है इधर, और ये वाला क्या है इधर 4, और ये वाला कौन सा आइटम है इधर 6, तो ये 6 का OH इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो बच्चों कुछ ऐसे यहाँ में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड अब इधर बनेगा, ठीक है सर। और जब बॉन्ड बनेगा तो ये होगा 1 और 6 के बीच में, बिकॉज यू पीपल नो दिस इज 1 हियर एंड दिस वन इज 6, और यहाँ में यू पीपल नो के इधर में होगा एच और यहाँ पे होगा OH, और ये वाला होगा 4। अब देख लो बच्चों, ये ब्रांच आ गया, जब ब्रांच आएगा तो क्या कहेंगे हम इस वाले बॉन्ड को, अल्फा 1-4 या अल्फा 1-6 बॉन्ड? अल्फा 1-6। हाँ, 1 और 6 कार्बन एटम के बीच में, जरा बच्चों ये वाला कौन सा होगा? 1-4। अब बता दो, जिसमें ब्रांच आता है क्या वो एमाइलोस है या वो एमाइलोपेक्टिन है? एमाइलोपेक्टिन सर, वो एमाइलोपेक्टिन। तो अब आप लोग एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखना, और उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है।
अब देखो इसमें यहाँ में कितने वन एंड रहे, आप जरा ये बता दो क्या है इधर, बच्चो ये बता दो क्या है इधर वन। अब देखो इधर में क्या है बचा, फोर, और ये भी क्या है इधर फोर। तो जितने ब्रांच होंगे और उतने फोर 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 आएंगे। तो अब देखो यहाँ में इसीलिए मैंने इसमें लिखा ये वन होगा एक ही और फोर काफी सारे होंगे, तो लेकिन इसमें एक वन होगा इसमें एक फोर होगा, और लेकिन इसमें वन एक ही होगा और बाकी सब ब्रांच जितने होंगे तो उन सारे ब्रांचेस का जो एंड होगा दैट विल बी विद द फोर। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से कंपेयर कराऊंगा और आप लोग खुद देखोगे कि हाँ हमें मतलब याद रखना पड़ेगा ये सारा चीज। एम आई लॉस, अब देख लो बच्चों इधर आ, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। माइलोपेक्टिन का डायग्राम देखेंगे हम एनसीईआरटी से, और आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मतलब कितना याद रखना है। चलो अब देखो ये वाला देखो आप, जरा यहाँ में ये वाला बॉन्ड कौन सा है, दिस वन, ये वाला 1 4, ये वाला क्या है 1 4, जरा ये देखो 6 है यहाँ पे और ये क्या है 1, तो ये क्या होगा 1 6। क्या ये एमाइलोपेक्टिन है या एमाइलोस है, ये एमाइलोपेक्टिन है। तो जहां में भी आपको मिलेगा ब्रांच स्ट्रक्चर एंड दैट विल बी एमाइलोपेक्टिन। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख के रख लेना उधर, इन पोटैटो स्टार्च, इन पोटैटो स्टार्च 20% is एमाइलोस एंड 80% is एमाइलोपेक्टिन। जो पोटैटो होता है, आलू होता है, वो खाली स्टार्च होता है, तो बच्चों उसमें 20% एमाइलोस होगा और 80% जो उसमें एमाइलोपेक्टिन होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो इसमें आप लोग लिख लेना आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट to differentiate starch, glycogen and cellulose. For next point, during iodine test, starch, glycogen and cellulose provides blue color red color and no color means colorless respectively. ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट करना है, बिकॉज ये पॉइंट जो है ये एनसीईआरटी के अंदर है। बच्चों कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स,
क्या बताया था टेस्ट का नाम? बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड फेलिक्स टेस्ट। बच्चों कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट ग्लाइकोजन सेलुलोज एंड स्टार्च? आयोडीन। आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट में स्टार्च कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। और ग्लाइकोजन कैसा देगा? रेड कलर। और सेलुलोज कोई कलर नहीं देता है, कलरलेस। मैं आपको ऐसे समझा दूं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, अगर सपोज मैं एक ग्लास लाइट लूंगा, या मैं आपको ऐसे बता दूं वर्टिकली, ये एक ग्लास लाइट है, तो बच्चों हमने क्या करा, यहां में हमने कुछ ड्रॉप्स रखे हुए हैं, तो लेट मी टेल कि दिस इज द ड्रॉप ऑफ sample 1, drop of sample 3 and drop of sample 3rd. So, yahan main kahunga ki this is sample A. This is sample B. Aur yeh main kahunga yahan pe sample 3 hai. So, ab humne kya kara idhar? Humne mix kiya. Mix drops of iodine in each sample. तो बच्चों क्या होगा इस टेस्ट का नाम? Iodine test. तो जब हम लोग देखेंगे इस slide में आप change आएगा glass slide में, तो वहां पे जाके हमने क्या देखा, और जब हमने मिक्स किया तो हमने देखा सैंपल ए में, और आप लोग खुद बताएंगे आप ये कौन सा शुगर, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा। चलो अब बता दो क्या होगा ये सैंपल ए आप? Starch. Very good, starch. जरा क्या होगा ये? Glycogen. Glycogen. और बच्चों ये? Glycogen. Cellulose. Cellulose. Cellulose कोई कलर नहीं देगा। आप लोग जब 11th में स्कूल में जाएंगे, हो सकता है आप लोग उसे आयोडीन टेस्ट कराया जाए, और आयोडीन टेस्ट में अब आपको टीचर 3 सैंपल देगा, तो वो आपको नहीं बताएगा 3 टेस्ट ट्यूब में क्या है, और वो 3 टेस्ट ट्यूब में लेंगे सैंपल 3, और फिर आपको आयोडीन डाल देंगे और कहेंगे कि आयोडीन का ड्रॉप डाल के पता कर लो कौन स्टार्च कौन इन सैंपल्स में क्या क्या है। तो जहां में भी ब्लू कलर स्टार्च, जहां में भी रेड कलर ग्लाइकोजन, और जहां कलर नहीं वो सेलुलोज होगा। आर यू डन विद दिस? No, sir. इसमें स्टार्च, स्टार्च प्रोवाइड्स ब्लू कलर, ब्लू कलर एज इट्स हेलिकल एमाइलोस, एज इट्स हेलिकल एमाइलोस ट्रैप्स या होल्ड्स राइट। और बच्चों ये भी आपको एनसीईआरटी से याद रखना है, इसका मतलब क्या है, जब वो जो एमाइलोज होगा, और वो एमाइलोज जो है वो ऐसा बना, और यहाँ पे लिखना एज इट्स हेलिकल, हेलिकल मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, एज इट्स सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हेलिकल लिख लेना, और यहाँ में आप लोग सेकेंडरी इंट्रोड्यूस कर देना। अगर मैं स्ट्रेट रख लूं कोई चीज, उसको वन डायमेंशनल कहते हैं, अगर मैं हेलिक्स बनाऊं उसको टू डायमेंशनल कहेंगे। तो जब भी हेलिकल स्ट्रक्चर होगा वो याद रखे ना, वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज एमाइलोज लीनियर था, स्ट्रेट था, अनब्रांच था, लेकिन वो जब बनता जाएगा तो वो हेलिक्स बनाएगा ऐसे, और बच्चों उसी हेलिक्स में अब जाके आयोडीन फंसेगा।
ये ट्रैप करेगा आयोडीन को, इट विल ट्रैप आयोडीन, और जब हेलिक्स के अंदर आयोडीन ट्रैप करेगा उस वजह से यह हमें ब्लू कलर मिलता है। और यहाँ में ये यहाँ पे लिख सकते हैं हेलिकल एमाइलोस, अगर इंसान का बाल भी गिर जाता है ना, हेयर भी गिर जाता है ना नीचे हेड से, और वो भी जल्दी हेलिक्स कॉइल करता है, और इसी तरीके से जब ये अनब्रांच एमाइलोस बनेगा और एकदम से बनते बनते कॉइल करता जाएगा, और उसी कॉइलिंग की वजह से ये आयोडीन को ट्रैप करता है और फिर जाके ब्लू कलर देता है। Are you done with this? सर हेलिकल एमाइलोस के बाद क्या लिखा? हेलिकल एमाइलोस ट्रैप्स, TRAPS, ट्रैप, और यह लिख लेना होल्ड्स, HOLDS। हो गया ये? यस सर। तो ये सारा कहानी था स्टार्च का। अब बच्चों स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज होता है? स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज होता है। और कितने फॉर्म्स होते हैं स्टार्च के? दो, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। कौन सा फॉर्म अनब्रांच फॉर्म होता है? Amylose. और कौन सा फॉर्म ब्रांच होता है? Amylopectin. तो बच्चों जो स्टार्च है जब उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन टेस्ट के समय कौन सा कलर देगा? वो ब्लू कलर। ब्लू। और ग्लाइकोजन कैसा कलर देता है? रेड कलर। और सेलुलोज कैसा कलर देता है? नो कलर। तो अब आप लोग दूसरा वाला होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल लिख लेना, और वो लिख लेना ग्लाइकोजन, और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एनिमल स्टार्च। और इसमें आप लोग लिख लेना इट इज द होमोपॉलीमर, इज अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, is a homopolymer of alpha glucose that are connected by both alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bonds. Or glycogen has only amylopectin, has amylopectin form, which is similar to the amylopectin of starch. बच्चों स्टार्च में दोनों फॉर्म था, एमाइलोज भी एमाइलोपेक्टिन भी, और लेकिन याद रख लेना ग्लाइकोजन में खाली एमाइलोपेक्टिन होगा, और अगर ग्लाइकोजन में एमाइलोपेक्टिन है खाली तो दैट मींस इसमें 1,4 भी होगा और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स भी होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट देयर, इट इज स्टोर्ड इन, ये चलो पहले लिख लेना glycogen, amylopectin of glycogen is more branched, than starch. अब कौन ज्यादा ब्रांच है, ग्लाइकोजन का एमाइलोपेक्टिन या स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन? ग्लाइकोजन का, तो इसलिए ज्यादा जो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा वो ग्लाइकोजन ही होगा।
और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स. Of animals. और हम लोगों का एनिमल्स मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमंस. अगर आपसे पूछा जाए आप ह्यूमन के बॉडी में कहां में ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो क्या देंगे आप आंसर? लिवर एंड स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल क्या हो गया? जो बोन्स के साथ अटैच रहता है. और ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर देना, ये ज्यादातर पूछा जाता है. और बच्चों किसके जैसा होता है ये ग्लाइकोजन? स्टार्च के जैसा, लेकिन किस में होता है? एनिमल्स में होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एनिमल स्टार्च. और कैसा कलर देता था ये? रेड कलर. रेड कलर. तो ग्लाइकोजन प्रोवाइड्स रेड कलर. Red color due to its amylopectin. Due to its amylopectin. Done. तो ये था कहानी ग्लाइकोजन का. अब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी नहीं है बच्चों. ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा या ऐसे होगा? क्या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये एमाइलोज जैसा होगा या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन के जैसा होगा? एमाइलोपेक्टिन होगा. वेरी गुड. एमाइलोपेक्टिन के जैसा होगा बिकॉज आई टोल्ड यू दैट ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन. तो मीन्स ये ब्रांच फॉर्म में होगा, तो इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने बना दिया है. तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर स्टार्च कमन ग्लाइकोजन एंड इनुलिन. स्टार्च कमन ग्लाइकोजन इनुलिन आर कंसिडर्ड एज are considered as storage polysaccharides. Glycogen, starch, glycogen, and inulin are considered as storage polysaccharides as they store food or ya likh lena energy. बच्चों याद रख लेना इन तीनों को हम लोग कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स. बिकॉज जब भी हम लोगों को भूख लग जाएगा अगर खाना नहीं खाएंगे तो बच्चों क्या कौन यूज होगा तब हमारे बॉडी में? अगर हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया अब बताओ अभी हमारे बॉडी में क्या यूज हो रहा होगा इन तीनों में से? जल्दी से बताओ अगर हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया है तो अभी बता दो इन तीनों में से कौन सा यूज हो रहा होगा हमारे बॉडी में? ग्लाइकोजन. वेरी गुड. ग्लाइकोजन. सो बिकॉज ग्लाइकोजन हमारे लीवर में और हमारे मसल में स्टोर रहता है और जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ये स्टोर हुए होते हैं और हमारे बॉडी में यूज हुए होंगे. आर यू डन विद दिस? Yes, sir. So next point you can write there. Reasons for the storage of polysaccharides. Reasons for the storage of polysaccharides. पहला लिख लेना देयर
they are chemically non-reactive. Chemically non-reactive due to their non-reducing. That's their non-reducing character. बच्चों अब बता दो मुझे पॉलीसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं या पॉलीसेक्राइड अब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होगा तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ. तो जब कोई बंदा किसी को छेड़ेगा नहीं तो वो बंदा हर जगह आराम से रुक सकता है, बैठ सकता है. अगर कोई बंदे का इंटरफियर करने का आदत हो तो वो कहीं भी नहीं टिक सकता, उसको हर जगह भगाया जाएगा. तो अब ये ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनिलिन, ये किसी को कहेगा यार मुझे स्पेस दे दो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा, मैं चुपचाप से रहूंगा. और वही चुपचाप रहने वाला नेचर हो गया नॉन रिएक्टिव, नॉन रिड्यूसिंग करेक्टर. तो उस वजह से ये आराम से फिर स्टोर होता है. तो अब आप नेक्स्ट लिख सकते हैं दे आर ऑस्मेटिकली inactive as they do not increase osmotic pressure. Of the cell where they are stored. बच्चों आप लोग बता दो मुझे, अगर आप लोग जाके कोई ड्राई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं या आप लोग कोई ड्राई चीज खा रहे हैं, जैसे मैं मान लूंगा ब्रेड खा रहे हैं या आप लोग नमक ज्यादा खा रहे हैं, जरा क्या होगा उसके बाद? क्या आप लोग उसके बाद प्यास फील करेंगे या नहीं? अगर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट लाया खाया या आप लोगों ने कोई ड्राई चीज लाया, मिठाई लाया या कुछ और वो खाया, जरा बता दो उसके बाद क्या फील होता है इंसान को कि मैं पानी पीऊं, है ना? यस यस सर. और क्योंकि जो ही हम लोग कोई चीज खाते हैं और उसका जो केमिकल होता है वो हमारे ब्लड में पहुंचता है और हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. तो अब हमारा ब्लड चाहता है कि मुझे पानी मिले, और अगर पानी मिलता तो मैं अपना ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता, मैं अपनी ऑस्मोलिटी डिक्रीज कर देता. तो चाहे हम लोग खाना खाएं, चाहे हम लोग नमक खाएं, अगर नमक खाएं एकदम से सोल्यूट बढ़ जाएगा, और सोल्यूट बढ़ने से हमारा ब्लड में वो रहेगा कि भाई पानी 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 दे दो, पानी दे दो मुझे, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया. तो अब अगर ग्लाइकोजन या स्टार्च को सेल में स्टोर करा जाएगा, बच्चों क्या ये सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे या इनकी वजह से स्टोर करने की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सेल को? सेल पानी मांगने नहीं लगेगा. जरा बता दो मुझे, अगर ये सेल में स्टोर होगा, क्या सेल को पानी चाहिए या सेल बिना पानी के बगैर भी उसका अलग डिमांड नहीं होगा क्रिएट वहां पे, अगर वो ग्लाइकोजन या स्टार्च को स्टोर करे? डिमांड होगा वाटर का या नहीं? होगा. यस. अब जरा पढ़ लो ये दूसरा पॉइंट, पढ़ लो क्या है दूसरा पॉइंट, पढ़ लो एक बार क्या है. दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, और ये इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं करते. मैं आपको दोबारा से समझा दूं, अगर मैं सेल के अंदर ग्लूकोज डालू 200 ग्लूकोज और एकदम सेल परेशान होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा 200 ग्लूकोज डालने से. वो सेल देगा कि मुझे पानी दे दो, हाइपरटॉनिक हो गया मेरा कंटेंट. लेकिन अगर मैं सेल के अंदर एमाइलोज डाल दो तो सेल को परेशानी नहीं होगी, बिकॉज एमाइलोज एक ऑस्मोटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है. तो इसीलिए सेल इनको आराम से रखता है. और क्योंकि ये सेल को कहेगा ना तो हम किसी के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही तुम्हारा पानी का इनटेक वाला प्रॉपर्टी इनहांस करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा ऑस्मोलिटी बढ़ा नहीं देंगे, हम तुम्हें आराम से तुम्हारे पास रहेंगे.
और इसीलिए फिर ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है एक सेल के अंदर स्टोर होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो तीसरा देखते हैं ना, दे कैन बी स्टोर्ड, दे कैन बी स्टोर्ड इन बल्क। और इनका प्रॉपर्टी है कि काफी ज्यादा क्वांटिटी अंदर एडजस्ट हो सकता है, तो इस वजह से ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है किसी सेल के अंदर स्टोर हो सकता है। ये समझ आ गया सबको? चलो ये था स्टार्च के बारे में और ग्लाइकोजन के बारे में। अब आप लोगों को अगर याद होगा तीसरा वाला जरा बता दो बच्चों, होमो पॉलीसेकेराइड क्या था? सेल्युलोज। तो देखो सेल्युलोज में इट इज अ होमो पॉलीमर, इज अ होमो पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। That are connected by, और अगर आप लोगों को ये कुछ ज्यादा लग रहा है ये वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, इट कैन बी स्किप्ड, तो आप लोग टेंशन मत लेना, लेकिन हो सकता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाए, तो लेकिन टेंशन नहीं लेना अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि नीट में 45 क्वेश्चन होता है बच्चों, और जिसको टॉपर बनना होता है, रैंक ले आना होता है, उसका टारगेट होता है 45। लेकिन जिसको खाली सिलेक्शन चाहिए और उसको टॉपर वगैरह नहीं बनना है, तो उस वो चाहे उसके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेकिन जो एकदम से रैंक लाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए चाहिए, तो तब जाके वो ये सारे पॉइंट कर लेता है। लेकिन जिसको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 5 क्वेश्चन का टेंशन नहीं है, 5 क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो वो बंदा ये पॉइंट स्किप कर सकता है। तो इट इज अ होमो पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज दैट आर कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। सो इसमें लिख लेना, Each cellulose contains 6,000 beta glucose. और इसमें लिख रहे हैं next point, it is present in plant cell wall. आप लोगों को बॉटनी टीचर जब सेल वॉल पढ़ाएगा, सेल बायोलॉजी पढ़ाएगा, वहां आपको पहला ही पॉइंट लिखेगा कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज। बच्चों क्या होता है सेल्युलोज? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड। क्या होमो पॉलीसैकेराइड होता है या हेट्रो पॉलीसैकेराइड होता है? होमोपॉलीसेकेराइड। अगर होमोपॉलीसेकेराइड जो है, तो फिर जाके बता दो मुझे किस मोनोसेकेराइड का बना है, किस मोनोसेकेराइड का बना है, अल्फा ग्लूकोज का या बीटा ग्लूकोज का? अल्फा बीटा ग्लूकोज का। अरे लिखा है ना भाई ऊपर, आप लोग जल्दी क्यों घबरा जाते हैं? ऊपर ही लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। और कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और कहाँ में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल। तो बच्चों अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द पल्प ऑफ प्लांट एंड कॉटन फाइबर्स, द पल्प ऑफ प्लांट एंड कॉटन फाइबर्स also contain cellulose.
जो प्लांट का पल्प होता है और जो कॉटन फाइबर होता है, तो बच्चों वो भी सेलुलोज के ही बने होते हैं। ये तो आपको सब पॉइंट याद रखना है, बट ये वाला स्पेशली एनसीईआरटी का आप लोगों को जनरली पूछा जाता है, बट ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्लांट सेल वॉल में पूछा जाता है। Should I move to the next slide? चलो अब दो नेक्स्ट पॉइंट देख लेना इसमें। कॉटन फाइबर्स है हाईएस्ट, दैट इज 90% ऑफ सेलुलोज। सबसे मैक्सिमम सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है कॉटन फाइबर्स में, और वो लगभग 90% होता है। और अब आप निकले ना, सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन होल बायोस्फीयर। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन होल बायोस्फीयर। बच्चों अगर ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है होल बायोस्फीयर में, जरा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होगा तो क्या कहेंगे आप? अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे अबंडेंट है होल बायोस्फीयर पे, तो बच्चों कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे अबंडेंट होगा होल बायोस्फीयर में? वाटर। अरे कार्बोहाइड्रेट भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो वो तो वाटर तो इनऑर्गेनिक है ना। अगर सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन होल बायोस्फीयर, तो अब बता दो मुझे मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन होगा होल बायोस्फीयर पे? पॉलीसेकेराइड। इंडिविजुअल लेवल पे बता दो भाई, इसी में आंसर है। अगर सेलुलोज है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन होल बायोस्फीयर, तो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन होगा होल बायोस्फीयर पे? अरे सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है या कुछ और है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है या कुछ और है? कार्बोहाइड्रेट ही है ना? Yes, sir. अरे अगर सेलुलोज सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली सेलुलोज ही होगा ना। तो लिखो दस, सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन होल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जिसमें प्लांट भी आएगा, एनिमल भी आएगा, फंजाई भी आएगा, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, वो सारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा बायोस्फीयर। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था सेल के प्रोटोप्लाज्म में, जरा बच्चों सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे अबंडेंट कौन सा होगा? वाटर। वेरी गुड। जरा सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था? प्रोटीन्स। गुड। तो अब बताओ अगर मैं एक बायोस्फीयर की बात करूं तो बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? सेलुलोज, बिकॉज प्लांट्स बहुत ज्यादा है इस बायोस्फीयर में। और अगर सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बायोस्फीयर पे, तो ऑब्वियसली ये कार्बोहाइड्रेट भी सबसे अबंडेंट कौन सा होगा? सेलुलोज ही होगा। तो अब एनसीईआरटी ने खाली ये दिया है, ये वाला पॉइंट। अब आपको एग्जामिनर थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का कोशिश करता है और वो ये नहीं देता, वो कहेगा द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द होल बायोस्फीयर इज, तो वहां स्टूडेंट घबरा जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो पता ही नहीं है मुझे। लेकिन जब यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होता है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट भी यही अबंडेंट होगा। सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आप इम्पोर्टेंट कर देना बिकॉज ये एनसीईआरटी में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। और ये अगर सपोज ग्लूकोज है, तो बच्चों ये ग्लूकोज जो होगा ये मैंने आपको कहा था बीटा ग्लूकोज होगा,
और ये बीटा ग्लूकोज अगर होगा तो बॉन्ड जो है इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि OH ऊपर होगा, और जब OH ऊपर होगा तो बॉन्ड ऊपर से बनना स्टार्ट होगा, तो वो बॉन्ड कुछ इस तरह का होगा। और फिर जाके नेक्स्ट ग्लूकोज का यहाँ में 1,4 होगा। और बच्चों उसका भी अब नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ, बिकॉज बीटा ग्लूकोज है तो बीटा ग्लूकोज होगा तो OH ऊपर होगा और बॉन्ड ऐसे बनेगा, और ये तीसरा ग्लूकोज होगा, और यहाँ में अब और एक ग्लूकोज होगा तो यहाँ में बॉन्ड कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब यहाँ में OH जो है ये फोर्थ का बना है, और ये वाला 1 है, और ये वाला 4th है, ये वाला 1 है, ये वाला 4th है, और ये वाला 1 है। तो अब इसमें OH क्या होगा, ऊपर, और H क्या होगा, नीचे। तो अब ये वाला ग्लूकोज 4th है, ये अब नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ अटैच होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट में ब्रैंच में N लिखेंगे और इसका नाम देंगे सेरेनॉक्स, और ये H होगा और ये H होगा, और बच्चों ये भी H होगा, एंड दिस विल बी H है, एंड दिस विल बी H है। और अब कौन सा बॉन्ड बताया था, बीटा 1,4 या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? बीटा 1,4, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो ये ग्लूकोज फर्स्ट होगा, ये ग्लूकोज सेकंड होगा, ये ग्लूकोज तीसरा होगा, और फिर चौथा होगा, पांचवा होगा, सिक्स्थ होगा, सेवन्थ होगा, एट्थ होगा, और इसी तरीके से सेकंड 6,000 बीटा ग्लूकोज होता है इसका इसमें। Are you done with this? तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, और जहां में ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और बीटा शुगर होता है। बच्चों हो गया ये? यस सर। हाँ, तो ये था रिगार्डिंग सेलुलोज के बारे में। अब बता दो ग्लाइकोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 बी और बीटा अल्फा 1,6 बी। बच्चों स्टार्च के कितने फॉर्म्स हैं, स्टार्च के कितने फॉर्म्स हैं, दो, एक का नाम क्या है एमाइलोस और दूसरे का नाम क्या है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस में खाली 1,4 और एमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी 1,6 भी। चलो किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो टेक केयर एंड आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।